हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्वाइस सिटी। हम ट्वाइस के हेलीकॉप्टर प्लेन खूब उड़ा लिए, चलिए आज रियल प्लेन पे सफ़र करते हैं। तो ये हमारी टू सीटर इंडिगो फ्लाइट। तो उस फ्लाइट में सफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है आधार कार्ड और अपना बोर्डिंग पास। मेरा फ्लाइट नंबर 67314, जो गेट नंबर 11 में मुझे जाना है। मैं इंदौर से प्रयागराज के लिए जा रहा हूँ, तो चलिए गेट नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर आपकी सुरक्षा जाँच होगी, आपको बोर्डिंग पास और अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो मेरा बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए फटाफट मैं अपना चेक करा लेता हूँ, बोर्डिंग पास और पैन कार्ड। मेरे पास आधार कार्ड भी है नहीं, तो मैं चेक करा के बाहर आ चुका हूँ। यहाँ फिर से आपकी जांच होती है आपके सामान के हैंडबैग की। उसके बाद आपको ये नीली कलर की बस मिल जाती है, इसमें आपको बैठ के फ्लाइट तक जाना होता है। तो चलिए हम बैठ के चलते हैं। मैं आ चुका हूँ अपनी बस के अंदर। यहाँ पर सब लोग खड़े खड़े जाते हैं क्योंकि बहुत पास में जाना होता है। फिर भी मैं बैठ गया हूँ और ये रही हमारी फ़्लाइट। इतनी प्यारी फ्लाइट दिख रही है ना, ये छोटी फ्लाइट है, टू सीटर फ्लाइट है। चलिए मैं फ़्लाइट के अंदर जाता हूँ और आपका वहाँ भी दिखाता हूँ। तो ये एक बराबर देख लीजिए, आपका ये फ़्लाइट किस तरह से दिखने वाली है। ये है फ़्लाइट और इसके अंदर मैं अब आ चुका हूँ। मुझे ढूंढनी अपनी सीट, जलपान का चयन करें, यहाँ नाश्ता ले सकते हैं और मैं मैम से पूछ के। ये है मेरी सीट और ये है मेरी विंडो और ये है मेरा टेबल। मैंने टेबल निकाल लिया है और मैंने सीट बेल्ट, सबसे पहले आपको सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो ये मैंने सीट बेल्ट बांध लिया है, कुछ नहीं बांधने के लिए आपको गाइड मिलेगा फिर। तो ये रही हमारी फ्लेयर अंदर से इस तरह दिखती है और ये टेक ऑफ के लिए अब रेडी हो रही है। टेक ऑफ के लिए ये रनिंग स्टार्ट कर दिया इसने। चलिए देखते हैं कैसे टेक ऑफ के बाद दिखेगी। देखते हैं और वो मैक्सिमम ऊंचाई पर आप बिल्कुल बादलों के ऊपर, बिल्कुल स्वप्ने जैसा लगता है, जैसे किसी आप स्वप्ने में चल रहे हैं। चलिए फ्लाइट का मजा लेते हैं। और यार एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो चलिए कुछ नाश्ते के लिए मंगा लेते हैं। तो मैंने अनार का जूस ऑर्डर कर दिया है, वो आता होगा, मैं देखता हूँ किस तरह से। तो गाइस मेरा अनार का जूस आ चुका है। चलिए फ्लाइट में इसका मज़ा लेते हुए बाहर का दृश्य देखते हैं कैसा दिखता है। बेहतरीन दृश्य अभी चालू है, हम एक घंटे में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो चलिए वहीं मिलता हूं आपसे फिर। तो गाइस लगभग एक घंटे 30 मिनट सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज की एयरपोर्ट के पास। 10 मिनट में हम लैंडिंग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही है कि मेरी आवाज़ सुनने नहीं आ रही है। चलिए दिखाता हूँ लैंडिंग का दृश्य क्या होता है। लैंडिंग के टाइम में जोर का झटका लगने वाला है, तो सीट बेल्ट आप जरूर बांध के रखें। ये है हमारा प्रयागराज। ये हो चुके हैं हम लैंड। ये देखिए कितना जोर का झटका लगने वाला है। तो गाइस मैं प्लेन के बाहर आ चुका हूँ, बहुत अच्छा रहा सफ़र मेरा। और आप भी अगर सफ़र करना चाहते हैं, कैसे टिकट बुक करना है, बोर्डिंग पास कैसे बनाना है, उन सब उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। आज हम स्वतंत्रता दिवस के 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।